अच्छा बाबूजी, सर्वप्रथम एक बार फिर से दीवाना फिल्म प्रोडक्शन कोल्ड स्टोरेज दुल्लापुर गाजीपुर के सौजन्य से हमारे बड़े भाई दीवाना जी के देखरेख में एक छोटी सा बिरहा बिरहाना श्रद्धांजलि के रूप में आप लोग के बीच में जाई और हमारे स्टूडियो में हमारे बीच विराजमान माननीय गुरुजी परम आदरणीय बाबू राम यादव गुरुजी और श्यामलाल पटेल गुरुजी उपस्थित हैं और बैठ के शोभा बढ़ा रहे हैं। आप लोग के बीच में एक श्रद्धांजलि, कैसी श्रद्धांजलि देखें हमारे परम आदरणीय हमारे पिताजी पूजनीय भूतपूर्व सैनिक सिपाही सुरेंद्र सिंह यादव जी के परम मित्र जिनको बताया गया चंदौली जिला के धानापुर क्षेत्र के निवासी भूतपूर्व सैनिक जिनका नाम लक्ष्मण प्रसाद मौर्य बताया गया, हमारे पिताजी के परम मित्र हैं और हमारे चाचा जी लक्ष्मण प्रसाद मौर्य जी के उनके माध्यम से उनके ही परिवार में उनके ही मौसी के लड़के जिनका नाम कुलदीप मौर्य बताया गया बाबूजी आज सरहद पर शहीद हो गए। अभी नई नई घटना, ताजी ताजी घटना आप लोग के बीच में पेश है। हमारे चाचा जी बोले बड़ा ही गम का भाव है, एक श्रद्धांजलि हमारे भी परिवार के बारे में गा दो। तो एक श्रद्धांजलि के रूप में चार लाइन भूमिका में कहना है, क्या कहना है? समा के परवाने बन के दीवाने, वतन के हिफाजत में सब कुछ लुटाते, खूनी कफन का सजा सर पे से हरा देते, शहादत कदम ना हटाते, गवाही में हिमगिरी अमर गीत गाकर शहीदों को श्रद्धा सुमन को चढ़ाते, कवि बाबू राम श्याम लाल चरण चूम करके, गमगीन होकर कलम को उठाते। कितना सुंदर गजल का नमूना लिखले हुन कवि जी। हालांकि अभी नहीं हो, अभी शुरुआत हो। कैसे मास्टर साहब, क्या बात है? यो कैसे कौनो आशिक का दर्द हो, कौन दर्द हो? कि लूट गए कि लूट गए हम प्यार जता के, लूट गए क्या बात है जिया, प्यार पत्थर दिल को
पत्थर दिल को दिल से लगा के लूट गए हम प्यार जता के। क्या बात है जियो, लेकिन हमारे उस सरहद के शेर सच्चे सिपाही सच्चे देशभक्त उन वीरों के लिए लिखा गया है। कैसे शेर सवा शेर सवा सरहद पे जाके बलिदान होते बलिदान होते नारा लगा के शेर सवा सरहद पे जाके। अच्छा बाबूजी, जरा कहानी पर गौर करिएगा, कहानी पर प्रकाश डालिएगा। कहानी का शुरुआत होत बा कैसे, चंदौली धानापुर थाना करीब है, चंदौली धानापुर थाना करीब है, चेता पूर्वा की घटना अजीब है। वही के लालता मौर्य, वही के लालता मौर्य छोटे से किसान रहे, वही के लालता मौर्य छोटे से किसान रहे, पत्नी दुलारी संग गरीबी में परेशान रहे। पांच गोदी के लाल पांच हो नहार रहे, पांच गोदी के लाल पांच हो नहार रहे, बड़े प्रदीप दूसरे कुलदीप कुमार रहे। और देखे दिलीप अनिल, दिलीप अनिल, दिलीप अनिल अरविंद छोटे भाई है, दिलीप अरविंद, दिलीप अनिल अरविंद छोटे भाई है, सभी है शिक्षित सबकी हो गई सगाई है। अच्छा जरा गांव और परिवार का परिचय ले लीजिए। गांव का नाम चेता दुबे पुरवा धानापुर चंदौली के निवासी, माता पिता जिनका नाम बताया गया लालत्या मौर्य जी और माता का नाम दुलारी देवी। बड़ा ही गरीब परिवार है और इनके पांच पुत्र हैं, जिनमें सबसे बड़े जिनका नाम बताया गया प्रदीप मौर्य जी, और दूसरे नंबर पर कुलदीप कुमार मौर्य जी, तीसरे नंबर पर दिलीप मौर्य जी, चौथे नंबर पर अनिल मौर्य जी, और सबसे आखिरी सबसे छोटे जिनका नाम बताया गया अरविंद मौर्य जी। पांच भाई थे, लेकिन दूसरे नंबर पर जिनका नाम बताया गया कुलदीप मौर्य जी, उनके ही बारे में श्रद्धांजलि है, कहानी है। जरा कहानी पर गौर करिएगा। क्या बात है, जिया बहादुर जिया। कौनो आशिक अपने मासुका से कहले रहल, कितना बढ़िया बात कहत हो देखा। जब से नैना लड़ल,
जब से नैना लड़ल बात आगे बढ़ल, जब से नैना जब से नैना लड़ल बात आगे बढ़ल, रोज अखिया रहला इंतजार में, दिल भइल दीवाना तोरा प्यार में, दिल भइल दीवाना। लेकिन कुलदीप मौर्य जब हाई स्कूल पास कैलन तो देह में जुनून छा गयल कि अब हम फौज में भर्ती हो खब, अपने भारत माता का जो नाम बा बहुत ऊंचा करब। हाई स्कूल से तैयारी शुरू हो गई, इंटर जात जात भइल का। जाके इंटर करे, जाके इंटर करे ध्यान मन में धरे, जाके इंटर करे जाके इंटर करे ध्यान मन में धरे, हमहू देशवा के पानी पै जवान हो, भारत माता का राखब ई मान हो, भारत माता कर। बताया गया कुलदीप मौर्य का जन्म सन 1976 में हुआ था, लेकिन जब हाई स्कूल इंटर पास करता है देह में जुनून छा गई, माई बाबू से लगला कह के हम फौज में जाई, फौज में भर्ती हो खब और इस देश का रक्षा करब। देखे देह में जुनून छागल तो 1995 में भयल का। उन्नीस सौ पंचानवे के आइल समैया, आर्मी रेजिमेंट काऊ बनले सिपहिया, इंटर पास किए और बनारस से दौड़ निकाल के आरटी रेजिमेंट से भर्ती हो गए, फौज में भर्ती हो गए, ट्रेनिंग करने लगे। कैसे ट्रेनिंग जाकर किए आस दिन में लिए, ट्रेनिंग जाकर जाकर किए आस दिल में लिए, बात झंडा तिरंगा महान हो, भारत माता कर खब ई मान हो, भारत माता कर। देखे बड़ा खुशी का दिन आ गई, कुलदीप कुमार फौज में भर्ती हो गए लंग, तो घरे में ब्याह शादी करे बदे दुआर खाँचे लगलन, तिल घरू आवे लगलन, सबसे बेसी मम्मा जोन बा दुआर खाँचे लगलन कि अब लड़का जवान हो गल, फौज में भर्ती हो गल, अपने पैर पर खड़ा हो गल, ब्याह शादी कर दा। देखे ब्याह शादी के बाद जब चले लगल, ट्रेनिंग पूरा कैलन कुलदीप कुमार, जब ट्रेनिंग पूरा कैलन हो ओकरे बाद छुट्टी आयल हुन घरे, और देखे अब पोस्टिंग मिले वाली रहल, ट्रेनिंग तक कंप्लीट हो गई लल, तो देखे यहाँ घर से आके छुट्टी बिता के शादी ब्याह कई के चलल हुन पोस्टिंग पर, पहले ड्यूटी पहले ज्वाइनिंग पर चलल हुआ। यहाँ धुन बा बड़ी बढ़िया धुन हो, क्या बात है,
नया नया जोड़ा। अरे आदमी और मेहरारू, मरद और मेहरारू, नई नई शादी भइल रहल। और वही आधी रात में औरतिया जोन बा भैया ब्रजेश भैया उठ के बैठ गई, ऐसन चिल्ला के उठल आदमिया उठ के भद्र करे करी। आधी रात कम के डरवाई भी का भले तो कहते सुनी ना सुनी हमारे ठे बात सुने कहते ऐसे मत मिस नहीं तो दिमाग गड़बड़ा जाई कहते पहले सुनी सुनी ये बलम जी तनी ढे बाहर जलाई जी पहले सुना सुनिए बलम जी तनी देवर जलाई हमरा चोलिया में हमरा चोलिया में काफी दूनी गाइल बा समाई हमरा लेकिन यहाँ कुलदीप मोर कैलन का घरे से पूरा तैयारी करके ठाट बाट में पूरा दम जोश के साथ चलल हुवन। कैसे चलल हुवन? वर्दी पहन के चल देश के सिपाही पहन के चले देश के सिपाही माई पाऊआ के सुने न सिरावा झुकाई माई जब सूट बूट चढ़ा के चलल हुवन ड्यूटी पर तब माई बाबू का आशीर्वाद लेके पांव छू के चलल हुवन। तब माई कहत हिन कि बेटा पूरे लगन से पूरे श्रद्धा लगन से अपने देश का नाम रोशन करिया। देखें माई समझावती कैसे समझावती दूधवा का कीमत बेटा हमारे चुकाई दूधवा का कीमत बेटा हमारे चुकाई है तू समन के देशावा से मारी के भगाई है जियो बहादुर जियो माई का आशीर्वाद लेके चलल हुवन लेके आशीर्वाद जान ड्यूटी पर जाई लेके आशीर्वाद जान ड्यूटी पर जाई माई पौआ के चूमे ले सिरावा झुकाई माई कुलदीप मोरे जी जब अपनी ट्रेनिंग पूरी कर करके घर में आते हैं गांव में आते हैं तो जब शादी पड़ी है तो देखें जब शादी हो जाती है तो उस समय तर्ज लगल मास्टर साहब कौन तर्ज हो ये तर्ज के दादा परदादा लोग बड़े ध्यान से बड़े उठा के गांव में कैसे गांव में झुलनी
पाए देवरा जहीरा जड़ा दा हमारे पाए जिया बहादुर जिया देखें शादी हो जाती है तो घर में नई नवेली दुल्हन आती है, नई नई कन्या का प्रवेश होता है घर में, पूरी खुशहाली लेकर आती है, मन में अरमान लेकर आती है ससुराल में। जब आती है तो उस समय होता है क्या, धीरे धीरे पीतल ए भैया धीरे धीरे बीतल कुछ दिन के समैया भैल शादी अली ममता दुलैया के धाम, जहां बताया जाता है वहां पर कुलदीप मोरे जी की शादी होती है। और ममता नई नवेली दुल्हन जब घर में प्रवेश करती है तो धीरे 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 समय बीत रहा है, भगवान की ऐसी मर्जी, एक सुंदर से लाल को जन्म देती है और कुछ दिन बाद एक और सुंदर से लाल को जन्म देती है, यानी दो लाल को जन्म देती है। तो यहां कहना पड़ा मिलन और संगम दो गोद के सुगनावा कर ले पढ़ाई सजाई के सपनावा जुटले सिपहिया भाई लसादी अली ममता दुलैया मिलन और संगम दो पुत्र थे। मिलन मौर्य जब 16 वर्ष के हुए तो सैनिक स्कूल रांची में हॉस्टल में पढ़ाई कर रहे हैं, और संगम मौर्य 12 वर्षीय जो कि डेढ़गावा में पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। देखे धीरे 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 जब 20-22 वर्ष का समय बीता है, 2020 का समय आया है, उस समय हमारे जवान कुलदीप मौर्य जो कि ड्यूटी कर रहे हैं श्रीनगर जम्मू कश्मीर रजौरी में ड्यूटी कर रहे हैं, जब रजौरी में ड्यूटी कर रहे हैं तो यहाँ कवि जी बिरहा में एक ठे तर्ज डलन कौन हो, तर्ज हुए हो कि माई हो ललनवा देईदा बाबू हो सुगनवा देईदा देशवा के खातिर अपने देशवा के खातिर अपने पहली हो पीरनवा देईदा माटी
का समय है, ड्यूटी चेंज का समय है, पोस्ट पर जाते हैं जवान। कैसे कि मोर वंशी जवानावा चलले, सर्च ऑपरेशनवा चलले, दुश्मन के भगावे बादे, दुश्मन के भगावे बादे, देश के जवानवा चलले, भोरहरी का टाइम है, 4-5 बज रहा है, उसी समय पोस्ट पर जाते हैं, देखते हैं कुछ आतंकवादी, कुछ दुश्मन घुस आते हैं और गोलियों की बरसात करने लगते हैं, लड़ाई शुरू कर देते हैं। जब लड़ाई शुरू कर देते हैं तो यहाँ जवान करते हैं क्या, रह चौर सेक्टर बीचे पापी दुश्मन आइले, करे निगरानी कुलदीप मौर्य तवले छनवा आइले, दुश्मन से लोहा लेवे सादिया मनवा ले, आतंकवादी कुछ आतंकवादी पोस्ट पर हमला कर देते हैं, हमारे जवान लड़ पड़ते हैं और इसी लड़ाई में कुलदीप मौर्य को कुछ दुश्मनों ने गोलियों से भून दिया, सीने को छल्ली कर दिया और वहीं पर धाराशाही कर दिया। जब कुलदीप मौर्य की जब मौत हो जाती है तो पार्थिव शरीर मौत होने के बाद घर परिवार में लोग फोन करते हैं, जब परिवार में फोन करते हैं तो देखें जब माता जी के खबर लगल कि हमार बेटवा शहीद हो गईलन, दुश्मन से लोहा लेत लेत शहीद हो गईलन, और जब शहीद हो गए तो उनके कमांडर परिवार में कॉल करते हैं, फोन करते हैं और घटने के वारदात जितनी भी घटना स्थल पर जैसे मौत हो जाती है सारी खबर देते हैं कि हमारा बच्चा, हमारा शेर, हमारा सिपाही इस वतन के काम आ गया और शहीद हो गया। आय हाय हाय हाय, जब परिवार में खबर मिलल हो तो परिवार का लोग, माई कहीं और रोवत है, भाई कहीं और रोवत हुवन, पूरा परिवार गमगीन हो गया, पूरा गांव गमगीन हो गया, पूरे गांव के लोग जुट जाते हैं और इस गमगीन माहौल में शामिल हो जाते हैं। बड़ा दर्दनाक भाव हो, भाव हो कि शहीद के शहादत, कि शहीद के शहादत के लगली खबरिया मतरिया के ना, कि शहीद के शहादत के लगली
खबरिया मतरिया के ना तबरी से झर झर ना जरिया परिया के ना कि छतिया के पीटी पीटी रोवेली गुजरिया मातरिया के ना कि छतिया के पीटी पीटी रोवेली गुजरिया मातरिया के ना घेरलस गम के बदरिया मातरिया के ना माई रोत हैं भाई रोत हवन लेकिन देखें जौन पत्नी रहलिन उ रोवत थी और रो रो के कहती का कहती कि कैसे पड़ी है मिलन संगम सुझे ना डगरिया मतरिया के ना हमार मिलन संगम कैसे पड़ी हन उनके के बड़ा करी कि कैसे पड़ी है मिलन संगम सुझे ना डगरिया मतरिया के ना त जनता बैठ के दुअरिया मतरिया के ना गांव जवार के लोग कहत हुअन कि एक तो बहुत बड़ा बहुत गरीब परिवार रहल कैसे कैसे गरीबी से उभरल रहल हो तब तक भगवान गम के बदरी छा दिल बेटवा के मौत हो गईल यहाँ पर सब लोग सोचत हुअन वो परिवार के बारे में सोचत हुअन का सोचत हुअन बिरहा के शैली में भाव लगल लोग सोचत हमन का कि सवारी के जीवन के बगिया ए बाबू सवारी के जीवन के बगिया त पतझड़ बनल बेगाना विपद कढ़ीली डारी पतझड़ बनल बेगाना विपद कढ़ीली डारी सवारी के जीवन के बगिया गांव जवार के लोग यह कहत हुए लेकिन ये बात का खबर पहुंचल पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश सिंह यादव जी के पास जब इस बात का खबर पहुंचती है उस समय करते हैं क्या मनोज सिंह काका जी को जो कि पूर्व विधायक रह चुके हैं उनको आदेश देते हैं कि परिवार में जाइए और उनके गमगीन माहौल में शामिल हो जाइए और किसी भी उस परिवार के किसी भी सदस्य से मेरी वीडियो कॉलिंग द्वारा बात करवाइए। मनोज काका जी आते हैं और तीसरे नंबर पर भाई जिनका नाम बताया गया दिलीप मौर्य जी उनसे वीडियो कॉलिंग द्वारा बात करवाते हैं। जब बात करवाते हैं उसके बाद
हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव जी परिवार का हाल चाल लेते हैं, धीरज बढ़ाते हैं, सांत्वना देते हैं और 6 सितंबर को जब बात करते हैं उसके बाद 7 तारीख के बाद 8 तारीख को यानी 8 सितंबर को बाई रोड दिल्ली के रास्ते कुलदीप मोरे का जो पार्थिव शरीर है वो आता है परिवार में। जब आता है उसके बाद होता है क्या? दुआरे चांद सितारे हो कि ओर तिरंगा आई लास दुआरे चांद सितारे हो आवनी अंबर आरती आयो उतारे चांद सितारे हो। विधायक मनोज काका से सपा अध्यक्ष फरमाए हो अब वीडियो कॉलिंग द्वारा परिवार को धैर्य तब बधाए हो। तीसरा भाई दिलीप मोरे जिससे भी बात बिचारे चांद सितारे हो लिखल बिरहा लक्ष्मण मोरे सहारे चांद सितारे हो। हमारे चाचा जी भूतपूर्व सैनिक लक्ष्मण मौर्य धानापुर के धरती से हमारे पिताजी सिपाही सुरेंद्र सिंह यादव भूतपूर्व सैनिक के परम मित्र हैं, बड़ा ही सहयोग करते हैं, अपने क्षेत्र में बुला करके कार्यक्रम करवाते हैं और बहुत ही सम्मान के साथ हमको विदा करते हैं। लेकिन देखें जब पार्थिव शरीर परिवार में आ गया और उसके अंतिम संस्कार की जब तैयारी चलने लगी तो देखें यहां आल्हा में भाव लगल कैसे। अमातपुर घाट पर जब सीता को लोग सजाते हैं कैसे, अमातपुर घाट ऊपर अमादपुर घाट ऊपर सज गईले छितवा भैया सैनिक सम्मान से भैले अंतिम संस्कार जब तक चांद सूरज रही कूजत बाटे नरवा भैया कान्हिया लगावे सब गौवा जवार शासन प्रशासन सब मोहकावा पयल भैया रुपया 50 लाख दे श्रीमान देखे बाबूजी सैनिक सम्मान जैसे सैनिकों को सम्मान मिलता है वैसे ही चीता को सजाया गया। पूरे गांव जवार के लोग बारी बारी कंधा दिए और अमातपुर घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया और सरकार द्वारा परिवार में पुनः 50 लाख मुआवजा देने का काम किया गया। जब 50 लाख मुआवजा देने का काम किया गया तो यहां बिहार के आखिरी लाइन में भाव मिलता है क्या, कि चेतापुरवा गांव में
कुलदीप मौर्य की कहानी बनी है। अमातपुर घाट पर पहली बार किसी सैनिक का, किसी सिपाही का पार्थिव शरीर को जलाया गया, अंतिम संस्कार किया गया। इसीलिए कुलदीप मौर्य के नाम से वहां पर उनकी निशानी शहीदी धरती, शहीदी घाट, अमात घाट के नाम से जाना जाएगा। तो कहना है शौचकपुर धानापुर के कोई शहीदी नाम हो, अब बनी स्मारक उसी गांव में सरकारी पैगाम हो। ताम्रित तुल्य गंगा जी का पानी बनी है, अमर कुलदीप मौर्य की कहानी बनी है। अमृत तुल्य गंगा जी के पानी बनी है, तामर कुलदीप मौर्य के कहानी बनी है। इसी के साथ विधा समाप्त। आखिरी लाइन बा, गुरु बिहारी लगन जीव देव की राम के शिवधारी, बाबू राम कवि श्याम लाल मुन्ना किशोर सीच फुलवारी, सवारी के जीवन के बगिया गावे मोनू यादव राखे लाज मतारी, सवारी के जीवन के बगिया।